गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रवि सिंह, योर साइंस टीचर, अगेन प्रेजेंट हियर आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस. ठीक है, देखिए हमारा जो पूरा टॉपिक जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं और ख़त्म भी हो चुका है. आपके ऐप में हमने होमवर्क भी दिया था और अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड करा था और बोला था आप लोग सॉल्व करके उसको हमारे नंबर पे उसको व्हाट्सएप करेंगे. ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट को छोड़ के किसी ने भी उसका रिप्लाई नहीं किया. ना ही मुझे पता भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन बनाया नहीं बनाया, इंटेक्स क्वेश्चन बनाया, एक्सरसाइज बनाया, कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हमको पता नहीं है. क्योंकि ये आपको दिखाता है, क्लास नाइन्थ में ही पढ़िएगा फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का लॉ. तो न्यूटन का एक लॉ है थर्ड लॉ, वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किसी एक्शन अगर कोई करेगा तो उसका रिएक्शन तो होना ही है. लेकिन यहाँ पे हम एक्शन तो कर रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन रिएक्शन उससे मिल नहीं रहा. मुझे पता नहीं आप बना रहे कि नहीं बना रहे, क्या करने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से क्लास नाइन्थ का लेक्चर भी रेगुलरली नहीं आ रहा. ठीक है, क्लास टेंथ का रेगुलर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी हो रहा है, उसका रिएक्शन वो क्या है, लेक्चर भी प्रॉपर आ रहा है. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं उसको क्वेश्चन को यहाँ पर बताऊँगा. मुझे कुछ नहीं पता आप कौन सा प्रॉब्लम नहीं है. आप बच्चा की तरफ नर्सरी एलकेजी में तो है नहीं कि एक एक करके सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह वगैरह ये सब सॉल्व करें. एक और चीज़ है, आप लोग अपना मतलब अभी तक जो भी पढ़े हैं, जो भी टेक्निक में थोड़ा सा चेंज लाइए, ये लाइए कि आदत होगा क्या, पूरा चैप्टर पढ़ लिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट वाला जो है उसको सॉल्व करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह कर लेना हो गया. ये हैबिट बहुत बुरा है. ठीक है, उस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देना. इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अपने से क्वेश्चन को उसके पीछे से निकालना है, नया नया क्वेश्चन को इनोवेट करना है, खोजना है, ढूंढ के निकालना है, फिर सॉल्व करना है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो ना हो, इंटरेस्ट क्वेश्चन, ग्लू क्वेश्चन जो होता है बीच बीच में वो सॉल्व होना चाहिए. पहले ये सॉल्व करो फिर एक्सरसाइज का करो. ये सिर्फ पहले वाला टेक्निक को छोड़ दो, एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन है, इस पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व किया, याद कर लिए, एग्जाम हुआ, मार्क्स आ गया, लिख दिए वगैरह वगैरह, वो सब टेक्निक छोड़िए. क्योंकि अब हम लोग तैयारी करेंगे बोर्ड का. ठीक है, तो अब उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटेक्स भी करे होंगे, एक्सरसाइज भी करे होंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, उसको मैं बताता हूँ. अभी जो मेरे अकॉर्डिंग हमको जो लगता है कि आप शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो मैं बता देता हूँ. तो सबसे पहले है, एक है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस. ये आया होगा बदलना, केल्विन को कैसे सेल्सियस में बदलते हैं, सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदलते हैं. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15. फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना होगा तो फॉर्मूला होता है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15. ठीक है, अब इससे आसानी से आप किसी भी चीज को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, 300 केल्विन को ही आपको बुक में शायद दिया होगा सेल्सियस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे. केल्विन की जगह पे क्या डाल दे, 300. तो सेल्सियस 300 बराबर सेल्सियस प्लस 273.15. केल्विन की जगह पे 300 बदलना किस चीज में, सेल्सियस में. तो 300 बराबर सी प्लस 273.15, कोई दिक्कत है. अब यहाँ से इस 300 क्या करेंगे, सी का वैल्यू इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा. तो 300.00 माइनस 273.15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्सियस. आसानी से वैल्यू को घटाएंगे, सेल्सियस का वैल्यू आ जाएगा हमारा, आ जाएगा. केल्विन का वैल्यू गिवन होगा, सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं. सेल्सियस का वैल्यू मान लो दिया हुआ है 40, बोलेगा केल्विन निकालो, आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं. ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273.15. कोई भी वैल्यू अपने से रख लेना है और उसको सॉल्व करना है. ठीक है, हम देते हैं दो चार्ज से, 300 केल्विन, 310 केल्विन, 273 केल्विन.
ठीक है, इसको बदलना है सेल्सियस में, और कुछ दे देते हैं आपको सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में बदलेंगे, इसको केल्विन में बदलना है आपको, इसको बदलना है सेल्सियस में, बना के सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। अगला है, एक और रिलेशन है आपको याद रखना है उसको भी, ये तो था कि केल्विन और सेल्सियस के बीच में, अब है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जानते होंगे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन सेल्सियस में कितना होता है, पता नहीं सबको पता है, नहीं पता होगा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे, अगर सेल्सियस दिया होगा तो हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें, कैसे फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस में चेंज करें, ये बातें आपको देखनी है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला पे याद रखना है, और बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। C/5 बराबर F-32/9, सी फॉर सेल्सियस, एफ फॉर फ़ारेनहाइट। अब फॉर एग्जांपल 40 डिग्री को बोलेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को कोई बोला आपको कन्वर्ट करना, करने किस में, फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करेंगे, सी की जगह पर कितना डालेंगे 40 बटा 5, कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 40 को बदलना है तो सी की जगह पर 40 डाल दिए, बटा 5 एफ माइनस 32/9, 40/5 कितना हो गया 8, 8×9 कितना हो गया 72, 72 बराबर F-32, तो F बराबर ये 32 इधर आएगा, 72 + 32 बराबर F, तो हो गया कितना वैल्यू 2×2=4, 7×3=10, फ़ारेनहाइट कितना हो गया 104 डिग्री। तो आप यहां से देख लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 37 डिग्री बराबर कितना होगा, थोड़ा सा इसमें भी तो घटेगा ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आपको निकाल लेना है, किसी भी खुद से निकालिए, 37 डिग्री सेल्सियस को, 38 डिग्री सेल्सियस को, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट को, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को, चेंज करते रहिए, आपस में आपका काम है करना। C/5 बराबर F-32/9, ये फॉर्मूला याद रखना है। केल्विन बराबर सेल्सियस +273, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन में है, पता नहीं आपने सॉल्व करा है उसको कि नहीं करा है, मुझे कुछ नहीं पता है, फिर भी हम बता देते हैं। 2-3 टर्म आया होगा, एक आया हुआ है रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है, क्या होता है रिजिडिटी, सिंपल सा है कि कोई सब्सटेंस कितना रिजिड है, मतलब रिजिडिटी मतलब होता है एबिलिटी टू होल्ड इट्स पोजिशन। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, रिजिडिटी मतलब होता है किसी सब्सटेंस के अंदर एबिलिटी हो कि वो अपने शेप साइज स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सके, कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तब भी। एग्जांपल में मार्कर है, हम फोर्स लगाए, ये दब रहा है क्या, नहीं दब रहा है, नहीं ना दब रहा है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको मेंटेन करा हुआ है। लिक्विड ले आए, पानी ले आके दबाएंगे, दब जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करता है, गैस को तो दबा ही रहे हैं, मतलब व्हाट इज रिजिडिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर अंटिल कब व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, दिस इज रिजिडिटी। आप इसको लिख भी सकते हैं खुद से या हम लिखवा भी देते हैं क्या होगा, इट इज एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं एग्जाम्पल में सॉलिड हैज मैक्सिमम रिजिडिटी, आप फोर्स भी लगाइएगा तब भी सॉलिड अपना जो शेप और स्ट्रक्चर है वो जल्दी नहीं चेंज करेगा, और बहुत ज्यादा करेंगे तो उसका बात अलग है, लेकिन लिक्विड को पानी का शेप स्ट्रक्चर तो आसानी से बदल सकते हैं, गैस का तो बदल ही सकते हैं, क्लियर है।
अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमको तो याद भी नहीं है क्वेश्चन, मेरे पास बुक है या कुछ है पास में यहाँ पे एनसीईआरटी, आप लोग तो बताए भी नहीं है कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अपने खुद से मन से बताते हैं। एक क्वेश्चन आया होगा डेजर्ट वाला, कि राजस्थान में दिन के टाइम कूलर अच्छा वर्क करेगा या किसी दूसरे जगह पर, जैसे मान लीजिए सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में क्या होता है मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर होगा गर्मी में 40 होगा, 45 होगा, 48 होगा, 50 होगा, लेकिन रेगिस्तान में टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है। तो दिन के टाइम, रात का नहीं कर रहा है क्योंकि रात में रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो कह रहा है कि दिन में राजस्थान में और सीतामढ़ी से कंपेयर करते हैं, दो कूलर हम लिए, एक राजस्थान के रेगिस्तान में डाल दिए, एक सीतामढ़ी में ला के डाल दिए, तो दिन के टाइम कौन सा कूलर अच्छा वर्क करेगा, कौन सा कूलर अच्छा वर्क करेगा, तो यानी कूलिंग इफेक्ट कौन ज्यादा देगा। अच्छा, कूलर का क्या मतलब है, कूलिंग करना, तो कूलिंग इफेक्ट कौन अच्छा देगा, तो सीतामढ़ी वाला नहीं देगा, राजस्थान वाला देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर, और दिन में टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा, राजस्थान में या सीतामढ़ी में, राजस्थान में होगा। रात में उल्टा होता है, बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है, इसलिए दिन के बाद क्या होगा क्वेश्चन में, तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो राजस्थान में टेम्परेचर रेगिस्तान में ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा, कूलर अच्छा वर्क करेगा। और आपको पता है जहां भी इवेपोरेशन होगा वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, इवेपोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई द कूलर विल वर्क बेटर इन डेजर्ट इन डे टाइम। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे आंसर, वी नो दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वी नो द टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट इज ग्रेटर दैन टेम्परेचर इन ऑर्डिनरी प्लेस इन डे टाइम, and we also know evaporation gives cooling effect, that's why the desert will work better which is present in desert। ठीक है, the cooler will work better which is present in desert। इसी चीजों को आप खुद से अब लिखना का कोशिश कीजिए, आप वो गया कि अब एक क्वेश्चन को कराया जाएगा वगैरह वगैरह, वो नहीं, आप खुद से करना होगा, जो प्रॉब्लम होगा वो एक आध क्वेश्चन उसको हम बता देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन एक होगा, आपको प्रॉब्लम आया होगा बर्फ और पानी में, देखिए आया होगा आपका क्वेश्चन, जो लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड गैस, पानी है, कोई पानी है और बर्फ है, आइस है, तो आइस जो है वो सॉलिड है, सॉलिड होने के बाद भी इस पानी में कैसे फ्लोट करता है, कैसे तैरता है, ये क्वेश्चन आया होगा आपको, तो ये थोड़ा सा अलग केस है, एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। जनरली होता क्या है, डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा होता है, लिक्विड का क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड, ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, ये तो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है। तो कह रहा है कि पानी जो है वो तो लिक्विड स्टेट में है, बर्फ बन गया तो सॉलिड स्टेट हो गया, तो ये तो इससे डेंसिटी बढ़ ही गया हो, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में बर्फ ज्यादा होना चाहिए था, तो बर्फ तो डूब जाना चाहिए था, लेकिन डूबता नहीं है, तैरता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, आपको याद ध्यान रखना है कि ये जो आइस होता है उस आइस में ये सॉलिड स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है, तो गैप जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस गैप के बीच में एयर बबल्स फील हो जाएंगे, एयर बबल्स फील्डअप हो जाएंगे, और जैसे ही गैप ज्यादा होगा तो डेंसिटी जो है ये इसका जो है डेंसिटी वो लिक्विड से कम हो जाएगा, और इसका जब लिक्विड डेंसिटी कम है तो तैरेगा, और एक पानी का डेंसिटी है, तो पानी का जो डेंसिटी है उससे कुछ ज्यादा डेंसिटी वाला होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन जो बर्फ होता है वो एक्सेप्शनल केस है, उसका डेंसिटी जो है वो लिक्विड से भी कम होता है, तो उसको बर्फ पे डालेंगे तो नहीं डूबेगा। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई आइस डजंट सिंक इन द वाटर, ये एक्सेप्शनल केस है, और केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है, पता नहीं हमको याद भी नहीं है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन होगा, हाँ और भी होगा, जैसे एक क्वेश्चन होगा कि जो गर्म खाना होता है, खाना जब पकड़ा होता है तो उसका जो सेंट है, सुगंध जो है बहुत दूर तक जाता है ठंडा, और जो वही ठंडा खाना ठंडा हो गया उसके बाद क्या होता है, सेंट जाता है, नहीं ऐसा क्यों होता है, आपको पता है डिफ्यूजन, क्यों डिफ्यूजन, जब गर्म कर रहे होंगे खाना को, हीट कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा हीट करने पर, तो बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा, ठंडा हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा, इसलिए दूर तक नहीं जाएगा स्मेल, सिंपल है, पूछा ही नहीं। और क्वेश्चन है क्या,
पता नहीं, हमको भी याद नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम होगा वो आप मैसेज करेंगे, सॉल्व करके वो उसको फोटो को क्लिक करके हमको व्हाट्सअप करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो पूछेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं एक्सरसाइज का दो चार क्वेश्चन जो मुझे लगेगा वो करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है, जैसा हम तो आपका क्लास कभी लिए नहीं है, लेकिन मुझे जैसा बताया गया है कि क्लास 8 के स्टूडेंट बहुत सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति। तो आई होप कि आप सभी अगले क्लास से पहले मैसेज करेंगे, बना के सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।